सभी को नमस्कार। आज बहुत लंबे वक्त बाद मैं श्रुति नायर मेरी माथा पब्लिक स्कूल से आप सबके सामने आई हो। लेकिन सुनिए, आज मैं आपको कोई पेरेंटिंग टिप्स नहीं देने वाली। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने जा रही हूँ जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और बात ये है कि हमारे बच्चों का एग्जाम्स में क्या रोल है। पहले तो अभी सभी का एग्जाम्स पूरा हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से पेपर लिखा, लेकिन कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैम, हम हमारे बच्चों के मार्क्स देखकर खुश नहीं है। मैंने कहा क्यों जी, ऐसा क्यों, क्या हुआ? मैम, बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए और अच्छा नहीं लग रहा हमें। मैंने पूछा रीजन क्या है। उन्होंने कहा मैम, हमारे बच्चे ट्यूशंस जाते हैं फिर भी मार्क्स कम है। कुछ ने कहा मैम, ट्यूशंस जाते हैं, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, और वो पढ़ ही नहीं पाते। अब मैं एकदम जनरल बातें आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ। क्या आप लोगों को लगता है सिर्फ ट्यूशन भेजने से बच्चों की पढ़ाई होगी? आप जरा सोचिए ये बात को। देखिए, ट्यूशन डेफिनेटली बेनिफिशियल है, बच्चे रिपीटेडली वो चीज पढ़ते हैं जो उन्हें स्कूल में करवाया जाता है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, क्या हमारे बच्चे ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क करने के बाद क्या सच में पढ़ पाते हैं? देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें ट्यूशन मत भेजिए। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आप देखिए कि बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या उन्हें वो अटेंशन ट्यूशन में मिल रहा है कि नहीं। और सिर्फ बच्चों को ट्यूशन भेजने से एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट हमारा पूरा नहीं होता। उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उन्हें वो टॉपिक समझ आया कि नहीं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।